क्या आप भी पैकेट वाला दूध पीते हैं या दूधिया से फ्रेश के नाम पर खुला दूध लेते हैं? क्या आप भी गाय और भैंस के दूध के बीच का अंतर नहीं समझ पाते? या आपको भी जानना है कि किस तरह का दूध आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है? तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि दूध हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। दरअसल कई रिपोर्ट्स से मालूम चलता है कि दूध से कैल्शियम, विटामिन डी, फैट्स और विटामिन B12 मिलता है। लेकिन आजकल शहरों में लोगों को शुद्ध दूध मिलना मुश्किल हो गया है। इसके कई कारण हैं। महानगरों में रहने वाले ज्यादातर लोग पैकेट वाला दूध पीते हैं। डेयरी से पैक होकर ये दूध शहरों तक पहुंचता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये पैकेट वाला दूध कितना सुरक्षित है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि खुला वाला दूध बेहतर होता है या पैकेट वाला। तो आइए सबसे पहले इसका जवाब केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर तीर्थ कुमार दत्ता से जान लेते हैं। इंसान में जितना भी बीमारी है, इसका अबाउट 70% ये बीमारी ये जानवर से ही आता है। इसे आप मोटे मोटे ऐसे मान के चलिए। तो इसको करते हुए दूध भी एक एनिमल का प्रोड्यूस है, ये बहुत अच्छा है। दूध एक कंप्लीट फूड है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको उसको पाश्चराइज करके पीना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूँगा ये भारत सरकार की तरफ से भी और हमारा जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं कि दूध कैसे पाश्चराइज हो, दूध कैसे पैक हो और पब्लिक के पास ऐसे पैक दूध ही पहुँचे। हमारा पब्लिक के लिए मैं कहूँ कि ऐसे आपको कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो फ्रेश मिल्क और पैक मिल्क, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका जो दोनों का गुणवत्ता सेम है, बल्कि जो आपका पैक्ड मिल्क है ये काफ़ी हद तक सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पाश्चराइजेशन के थ्रू ये निकला है। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि गाय का दूध बेहतर होता है या भैंस का, और दोनों दूध में अंतर क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए। तो हम पूरा देश में देखें तो हमारे पास करीब 30 करोड़ गाय और भैंस मिला के होगा, उसमें से 20 करोड़ गाय है और 10 करोड़ जो है आपका भैंस है। लेकिन हम दूध का उत्पादन को देखें तो तकरीबन 50% यानी कि आधा हिस्सा दूध ये भैंस बनाते हैं, और 20 करोड़ गाय 50% बनाते हैं और 10 करोड़ भैंस आपका उतना ही दूध बनाते हैं। तो इसमें से सीधा सीधा आपको ये पता लग जाता है कि भैंस हमारे देश के लिए या हमारा वातावरण के लिए, हमारा जो खान पान है इसको हिसाब से वो कैसे अट्यून्ड है, यानी कि वो हमारा फार्मर को सूट करता है। जहाँ तक भैंस और गाय का दूध की सवाल है, भैंस का दूध कोई मामले में गाय का दूध से अलग है। अलग कैसे है कि भैंस का दूध में जो टोटल सॉलिड है ये गाय का दूध के मात्रा में ज़्यादा है। भैंस का दूध में जो फैट है ये गाय का दूध से डबल है। जो भैंस का दूध में जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको लेके काफ़ी हंगामा होता है कभी कभी, ये गाय का दूध से काफ़ी मात्रा में कम है। भैंस का दूध का कैल्शियम को आप देखें तो वो गाय का दूध से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में A1 A2 करके एक मैं कंट्रोवर्सी कहूँगा कि काफ़ी लोगों ने कहने लगे कि A2 दूध पीना चाहिए, क्योंकि A2 दूध पीने से आपका हार्ट की बीमारी, आपका जोड़ों का दर्द ये सब कम होता है। तो भैंस का दूध में A1 का कोई चांस ही नहीं है, भैंस का दूध गारंटेड A2 दूध है। तो ये सभी पैमाना को देखते हुए मैं कहूँगा कि भैंस का दूध गाय का दूध से काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको दूध से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसी ही जानकारी परक वीडियो के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्रा।